आम लोगों को गुलाम हैदर की एक और फतेह मुबारक हो। उन्होंने वहाँ ऐसा प्रेशर बनाना शुरू किया है पाकिस्तान सरकार पर, जो यहाँ के डॉक्यूमेंट गए हुए हैं पाकिस्तान वेरिफिकेशन के लिए, उनको रुकवा रहे हैं, उनको वेरिफिकेशन नहीं होने दे रहे, कुछ इस तरह के ऐसे चार्जेस कर रहे हैं। गुलाम हैदर है, गुलाम हैदर और उनके गलत गलत लोग और इस तरह से जो कर रहे हैं बातें उनके खिलाफ। एपी सिंह साहब, आप इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे या आप हिंदुस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री जाएंगे, हिंदुस्तान की हाईकोर्ट जाएंगे, हिंदुस्तान की सुपीरियर कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मैं आपका पीछा करूंगा, मैं रुलाऊंगा तमाम लोगों को। गुलाम हैदर रुलाएगा, गुलाम हैदर के एक एक आंसू का बदला लूंगा मैं, एक एक रोने का हिसाब लूंगा आप तमाम लोगों से। आप गिड़गिड़ाएंगे, आप रोएंगे, तमाम हिंदुस्तान आपका रोना देखेंगे और जश्न मनाएंगे। सीमा को पाकिस्तान से भगाने में भी आपकी चाल है, बच्चे छीनने में भी आपकी चाल है। मैं और गुलाम हैदर हम हिंदुस्तान आएंगे, हिंदुस्तान की सरहद में आएंगे, हिंदुस्तान की मोजज अदलिया के पास। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, गुलाम हैदर साहब ने आज फिर से धमाका कर दिया और आज मैं सबूत के साथ सच्चाई दिखाऊंगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि दोस्तों आज मैं सीमा के बारे में सच्चाई दिखाऊंगा, आज सबकी आंखें खुल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा गुलाम हैदर और सीमा भगोड़ी अय्याश औरत के बारे में। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप ये बात जानते ही होंगे कि गुलाम हैदर साहब अपनी एक लाइव वीडियो में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और एपी सिंह को उस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा गालियाँ दी थी। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके होश उड़ा देने वाली खबर दूंगा सीमा भगोड़ी और एपी सिंह के बारे में। मगर दोस्तों, आज मेरे हाथ सीमा के खिलाफ जो सबूत लगा है उसको देखकर आप सबके होश उड़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये भगोड़ी सीमा और एपी सिंह मिलकर गुलाम हैदर साहब के साथ बहुत गंदी हरकत करने वाले है, ताकि गुलाम हैदर साहब यहाँ इंडिया को ना आ पाए। मेरे दोस्तों, आपने ये भी देखा होगा कि ये भगोड़ी सीमा गुलाम हैदर का मजाक बनाती रहती है। इसलिए दोस्तों, आज मैं सीमा से एक बात कहना चाहता हूँ कि तू अब लाख कोशिश कर ले गुलाम हैदर साहब को बदनाम करने की, मगर अब गुलाम हैदर साहब तुझसे अपने बच्चों को वापस ज़रूर लेंगे, क्योंकि दोस्तों ये सीमा बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज एक बार फिर से गुलाम हैदर साहब के वकील का एक लाइव वीडियो आया है, जिसमें आपको सीमा के खिलाफ एक सबूत और देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज आपकी आंखें खुल जाएगी ये लाइव वीडियो देखकर, क्योंकि दोस्तों ये लाइव वीडियो बेहद ख़ास होने वाला है। इसलिए दोस्तों, ये लाइव वीडियो आपके लिए देखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा आखिर तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे मैं आपसे इस टॉपिक पर बात करता हूँ। आप तमाम हिंदुस्तानियों को, तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम देखने वालों को मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन। मैंने कहा था मैं इनको रुलाऊंगा, मैंने कहा था मैं इनके सर में दर्द करूंगा, मैंने इनको कहा था कि इनकी आंखें लाल करूंगा। आप तमाम लोगों को गुलाम हैदर की एक और फतेह मुबारक हो। वो फतेह क्या है ये आप अपनी आंखों से देखें। इस फतेह का एपी सिंह और सीमा हैदर ने खुद एतराफ किया है। आपको फतेह मुबारक हो, गुलाम हैदर को एक और फतेह मुबारक हो। आप ये वीडियो अपनी आंखों से देखें, अपने कानों से सुने, जिसमें एपी सिंह खुद एतराफ करता है अपनी शिकस्त का और गुलाम हैदर की, रोशन अली अजीम की और आप तमाम लोगों की फतेह का ऐलान खुद करता है एपी सिंह। तो आए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं। यहाँ की भारत में तो हमारी सारी कार्रवाई चल रही है, उन्होंने वहाँ ऐसा प्रेशर बनाना शुरू किया है पाकिस्तान सरकार पर, जो यहाँ के डॉक्यूमेंट गए हुए हैं पाकिस्तान वेरिफिकेशन के लिए, उनको रुकवा रहे हैं, उनको वेरिफिकेशन नहीं होने दे रहे हैं, कुछ इस तरह के ऐसे चार्जेस कर रहे हैं। बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें हैं, सबको जवाब एक दूसरे सवाल हो जाते हैं लोगों के, उनके जवाब देने हैं, वो जवाब हमारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी देने हैं, पाकिस्तान को भी देने हैं। कई चीज़ें गलत खबरें चलती हैं, बहुत बातें की जाती हैं, समझ नहीं है, लेकिन इस तरह से गलत गलत बातें करते हैं, किसी को अपमानित करते हैं, किसी का अनादर करते हैं, उचित नहीं है और गैरकानूनी है। और उन सब पर यहाँ से मैं ऐसे लोगों पर अब यहाँ से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इतना मौका दे दिया गया उनको कि जो जिस तरह से गलत बातें, गलत संदेश, गलत बातें कर रहे हैं बच्चों के बारे में, सीमा के बारे में, सचिन के बारे में, अब हर एक व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वहाँ ऐसा प्रेशर बनाना शुरू किया है पाकिस्तान सरकार पर, जो यहाँ के डॉक्यूमेंट गए हुए हैं पाकिस्तान वेरिफिकेशन के लिए, उन
उनको रुकवा रहे हैं, उनको वेरिफिकेशन नहीं होने दे रहे हैं, कुछ इस तरह के ऐसे चार्जेस कर रहे हैं। जी दोस्तों, तो आपने अपनी आंखों से ये देखा, अपने कानों से ये सुना कि एपी सिंह कैसे अपनी शिकस्त का एतराफ करता है कि ये गुलाम हैदर और उसका वकील ये ऐसी कागजात पेश कर रहे हैं, ये ऐसी कोशिश कर रहे हैं, ये ऐसे केसेस दाखिल कर रहे हैं, ये ऐसी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं हिंदुस्तान की सरकार को कि हम जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनाने जाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स हमारे नहीं बन रहे हैं। हमें एटीएस इनकार कर रही है, हमें हिंदुस्तान की प्रोविंशियल गवर्नमेंट इनकार कर रही है, हमें हिंदुस्तान की सरकार इनकार कर रही है, इनके कोई डॉक्यूमेंट्स बन नहीं रहे हैं, चाहे वो मैरिज सर्टिफिकेट हो इनका, जो वाइट मैरिज है सचिन मीणा की, सीमा हैदर की, जो वाइट मैरिज है, जो वाइट मैरिज है, इनको लीगलाइज कराने के लिए जो एपी सिंह साहब कागजात बनाने की कोशिश कर रहा है वो उनके कागजात नहीं बन रहे हैं। सीमा हैदर की नेशनलिटी हासिल करने के लिए जो कागजात बनाए जा रहे हैं वो भी नहीं बन रहे हैं। सीमा हैदर के केस को फतेह करने के लिए जो कागजात बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, वो भी कागजात नहीं बन रहे हैं। इन्होंने ये एतराफ किया है कि गुलाम हैदर के वकील ने ये ऐसी चाल चली है, ऐसी डॉक्यूमेंटेशन की है हिंदुस्तान की सरकार को, हिंदुस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री को, हिंदुस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री को, उसकी वजह से हमारे कागजात नहीं बन पा रहे हैं। शिकस्त खाने के बाद एपी सिंह अब कहता है कि मैं इंटरनेशनल कोर्ट जाऊंगा। एपी सिंह साहब, आप इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे या आप हिंदुस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री जाएंगे, हिंदुस्तान की हाईकोर्ट जाएंगे, हिंदुस्तान की सुपीरियर कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मैं आपका पीछा करूंगा, मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी जाऊंगा, आपका पीछा करूंगा, आपका पीछा पीछा नहीं छोड़ूंगा, आपको मैं रुलाऊंगा। आपने एक वालिद को रुलाया है, एक बाप को रुलाया है बच्चे छीन के, मैं आपको रुलाऊंगा एपी सिंह साहब। ये तमाम हिंदुस्तान जानता है, ये आपकी चाल है, सीमा को पाकिस्तान से भगाने में भी आपकी चाल है, बच्चे छीनने में भी आपकी चाल है। आपने खुद एतराफ किया है कि आप शिकस्त खुदा है, आपने खुद एतराफ किया है कि आपने शिकस्त खाई है, सीमा हैदर ने शिकस्त खाई है, और वो शिकस्त सिर्फ गुलाम हैदर और रोशन अली अजीम की वजह से खाई है। आपके तमाम कागजात जो आप बनाना चाह रहे थे, आप जो एविडेंस बनाना चाह रहे थे, आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन बनाना चाह रहे थे सीमा हैदर और सचिन मीणा के फेवर में, वो नहीं बनी है, वो नहीं बनने देंगे। अभी आपने सिर्फ हमारे इस्लामाबाद जाने तक आपको ये शिकस्त का शिकार हुए हैं। अब आप इंतजार करें, मैं और गुलाम हैदर हम हिंदुस्तान आएंगे, हिंदुस्तान की सरहद में आएंगे, हिंदुस्तान की मुअज्जज अदलिया के पास जाएंगे, हिंदुस्तान के मुअज्जज इदारों के पास जाएंगे, फिर आप देखना कि आप कैसे रोते हैं, सीमा हैदर कैसे रोती है, सचिन मीणा कैसे रोता है, और ये नेत्रपाल सिंह मीणा कैसे रोता है। मैं रुलाऊंगा आप तमाम लोगों को, गुलाम हैदर रुलाएगा, गुलाम हैदर के एक एक आंसू का बदला लूंगा मैं, एक एक रोने का हिसाब लूंगा आप तमाम लोगों से। आप गिड़गिड़ाएंगे, आप रोएंगे, तमाम हिंदुस्तान आपका रोना देखेंगे और जश्न मनाएंगे। मैं निर्भया केस का भी मैं बदला लूंगा, मैं तमाम हिंदुस्तानी को बताऊंगा कि निर्भया जो केस 10 सालों तक चलता रहा, मैं उसका भी इस शख्स से बदला लूंगा। एक मरतबा फिर गुलाम हैदर को फतेह मुबारक हो, सीमा हैदर की शिकस्त मुबारक हो, आप तमाम हिंदुस्तानियों को एक और फतेह मुबारक हो, और इस केस को, इस केस से जुड़ने वाले तमाम लोगों को एक और फतेह मुबारक हो। ये फतेह आप लोगों की है, आप तमाम लोगों को मुबारक हो। इंशाल्लाह फतुहात का सिलसिला जारी रहेगा, इंशाल्लाह एक और फतेह मिलेगी, दूसरी तीसरी फतुहात का सिलसिला जारी रहेगा जब तक के बच्चे गुलाम हैदर की गोद में नहीं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा और आपकी आंखें खुल गई होगी ये वीडियो देखकर, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको सीमा केस के बारे में सब कुछ पूरे डिटेल्स के साथ पता चल गया होगा। क्योंकि दोस्तों गुलाम हैदर साहब इंडिया को ज़रूर आएगी और पाकिस्तान को लेकर जाएगी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा आपसे ऐसी किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।